CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। रिबेका, अब सर्दी का मौसम आ गया है और ये वो मौसम है जहां अपने परिवार के साथ, दोस्त यार के साथ मिलकर बैठते हैं उस आग के इर्द गिर्द और बीते सालों की कहानियों को बांटते हैं। बिल्कुल, और ये मौसम मुझे भी बहुत पसंद है राहुल। और आज प्रोग्राम में दोस्तों हम बात करेंगे उस चुने हुए परिवार के बारे में जिसमें प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और साथ ही हम जानेंगे कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह में आप और हम भी इस परिवार में चुन लिए गए हैं। Fantastic, this is lovely. In fact, जब परिवार की बारे में बातचीत होती है रिबेका, मैं देखता हूँ कि बाइबल में आप देखेंगे हर जगह पे परिवार का जिक्र किया है। परमेश्वर ने जब किसी व्यक्ति को चुना तो उसके साथ साथ उसके परिवार को भी चुना। जी बिल्कुल राहुल, हम बाइबल में पढ़ते हैं किस तरह नूआ का परिवार चुना गया, इब्राहिम का परिवार चुना गया, और परमेश्वर ने हमें भी चुना है ताकि हम उसके परिवार में शामिल हो सकें। कल हमने कितनी खूबसूरती से देखा द स्टोरी ऑफ क्रिसमस में, जैसे हम जान रहे थे कि कैसे इंसान ने पाप किया और वो पाप में गिर गया, लेकिन कैसे परमेश्वर ने हमें एक वादा दिया था कि वो एक मददगार, एक मसीहा को भेजने वाला है। आज दोस्तों स्टोरी ऑफ क्रिसमस को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे परिवार, परिवारों को परमेश्वर चुनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप फिर लेकर आया हूँ यीशु मसीह के जन्म की कहानी। कल हमने जाना था कि किस तरह मनुष्य पाप में गिरा और किस तरह परमेश्वर ने यीशु मसीह के आने का पहला संकेत भी दिया। बाइबल कहता है कि पाप इस कदर बढ़ गया था कि परमेश्वर को अफसोस होने लगा। उसने सोचा कि मैंने ये मनुष्य जाति बनाई ही क्यों। लेकिन एक व्यक्ति था नोहा, जिसने परमेश्वर की नज़र में अनुग्रह पाया। परमेश्वर ने उसे कहा कि एक बड़ा पानी का जहाज बनाओ और उसमें अपने परिवार को और हर किस्म के जानवर की एक जोड़े को ले आओ। और फिर बाइबल कहता है कि 40 दिनों तक, 40 दिन 40 रात बारिश हुई और सब उजड़ गया, बाढ़ आई और सब मर गए, लेकिन एक परिवार रह गया, नोहा का परिवार। और नोहा के परिवार में से उत्पन्न हुआ इब्राहिम, जिसे बाइबल विश्वास का पिता भी कहती है। परमेश्वर ने इब्राहिम को एक प्रतिज्ञा दी कि मैं तुझे आशीषित करूंगा और एक आशीष का कारण बनाऊंगा, मैं तुझे एक महान राज्य बनाऊंगा और तेरे द्वारा पृथ्वी के हर एक परिवार को आशीषित करूंगा। दोस्तों, परमेश्वर का दिल हमेशा से यही था कि पृथ्वी का हर एक परिवार आशीषित हो, इसलिए परमेश्वर ने चुना इब्राहिम को। और वहां से उत्पन्न हुआ जेकब, जिसका नाम इज़राइल भी है। तो इस कहानी को हम कल आगे लेकर जाएंगे और बात करेंगे कि कहां से इज़राइल से उत्पन्न हुआ यीशु मसीह। दोस्तों, आशा करते हैं कि कहानी आपको बहुत अच्छी लगी और इसी कहानी को हम आगे भी पढ़ाएंगे कल। और हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, उसके पूरे परिवार को चुना ताकि ये पूरा संसार उसके द्वारा आशीष पाए। हमने भी इब्राहिम के द्वारा आशीष पाई है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीष पाई है और उनके घराने में हम भी चुने गए हैं। Yes, रिबेका। दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है कि हमारे जीवन में कुछ हो नहीं रहा, तो ऐसा तो नहीं है कि कर परमेश्वर हमें भूल गया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर ने आपको अपने परिवार में जोड़ा है और आप उसके नजर में खास है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट आज हम मिलने जा रहे हैं एस्थर असाइली से, जो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। उन्हें भी ऐसा ही लगता था, वो बहुत खाली महसूस करती थी, अकेला महसूस करती थी, लेकिन एक क्रिसमस उनके जीवन में कुछ बदला, उनके जीवन में दोबारा से खुशियां लौट आईं। और ये कैसे हुआ, आइए इनसे मिलकर जानते हैं। एक मसीही परिवार में जन्मी एस्थर ने यीशु को अपना जीवन बहुत ही छोटी उम्र में दे दिया, लेकिन खुश मिजाज लड़की एस्थर का जीवन ज्यादा दिनों तक वैसा नहीं रह पाया। 15-16 आई वाज, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से चर्च जाती थी, गाना गाती थी, आई वाज इनटू गॉड, बट देन सडनली आई क्लिक्ड। I was like battling depression and anxiety. और इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम ये है कि आपको समझ में नहीं आता कि रीज़न क्या है, वो सोल पर्पस या उसकी वजह क्या है। तो मेरे साथ वही चल रहा था, रहना, कुछ भी, जो भी तुम्हें पसंद आता है वो। अब जैसे गाना मुझे बहुत पसंद था और मुझे गाने लिखने बहुत पसंद थे, मुझे जर्नल्स लिखना बहुत पसंद था। वो सब कुछ ऐसा आया कि मुझे वो सब कुछ करने से भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। इट वॉज लाइक इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी एनी मोर।
इन सब बातों ने एस्तर की पर्सनैलिटी को बिल्कुल ही बदल दिया। मुझे अकेले रहना पसंद था, मैं ज्यादा बात नहीं करती थी, मैं गाने नहीं सुनती थी, बस अलोन और एक ही चीज को देखो। एंड देन यू नो देयर वाज दिस कांस्टेंट साउंड इन माय हेड एंड आई थिंक इट वाज इविल एज वेल। दिस वाज दिस कांस्टेंट यू नो साउंड इन माय हेड दैट व्हाट्स योर पर्पस व्हाई आर यू अलाइव व्हाई आर यू अलाइव। एस्तर को संघर्ष करते देखते हुए उसके पिता ने उसे एक आत्मिक सलाह दी। डैड सेड कि वन थिंग, देयर इज ओनली वन कंसोलर, अगर आपको किसी को कंसल्ट करना है दैट्स जीसस। जैसे ही एस्तर ने अपने पिता की उस सलाह को मानना शुरू किया, उसे असामान्य तरीके से आशा मिली। मैं परमेश्वर की बेटी हूं और मैं, मेरे पास जो ये डार्क टाइम था, इट वाज जस्ट अ फेज और इट वाज ओनली टू मेक मी रियलाइज दैट हाउ मच गॉड लव्स मी, और मैं कितना भी उनसे दूर जाऊं वो मुझे अपने से दूर होने नहीं देंगे। एस्थर के जीवन के उद्देश्य की खोज तब खत्म हो गई जब एक क्रिसमस के दौरान उसकी मुलाकात रिश्तेदारों से हुई। मैंने देखा वो लोग, उनको पता नहीं कि वो आज के दिन क्या खाएंगे या फिर कल क्या खाएंगे या क्रिसमस के दिन क्या पहनेंगे फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, बट देन देयर वाज लव इन इट। एंड देन जब हमारे हम उनके घर गए, उन्होंने अपना दिल खोल दिया, लाइक जितना भी उनके पास था दे गिव इट टू अस, एंड दैट्स व्हाट रियली टच मी दैट यू नो यस दिस इज लव ऑफ क्राइस्ट एंड दिस इज व्हाट क्राइस्ट डज टू यू। और जो अंकल आंटी के मंडली में मैंने जो ये परमेश्वर का प्रेम देखा, उनकी जीवनों में जो परमेश्वर का प्रेम का इफेक्ट देखा, मैं यही प्रेम दूसरों को भी बताना चाहती हूँ और उन सबसे यही प्रेम बांटना चाहती हूँ। जैसे एस्तर ने बाइबल पढ़ना शुरू किया, यीशु के साथ उसका रिश्ता और मजबूत होता गया। मैंने अपने आप को समर्पित किया उन्हें और मैंने बताया कि अब मेरा जो जीवन है, मैं जो करूंगी, इट्स बाय योर विल, आपके मुताबिक आपके हिसाब से चलूंगी। दैट्स व्हेन आई रियली गेव इन टू क्राइस्ट और मैंने उनको पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करा। मेरा रिलेशनशिप मेरे परमेश्वर के साथ सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ। मैं उनकी सबसे खास बेटी, मुझे लगता है कि मैं उनकी अनोखी बेटी हूँ, जैसे कि ही विल नॉट लव एनीवन एल्स दैट हैज लव्ड मी। आज एस्तर फिर से अपने जीवन को बनाने के लिए यीशु मसीह को महिमा देती है। यीशु के प्रेम के बारे में गानों के जरिए, जिन्हें वो खुद लिखती और गाती है। जितना भी परमेश्वर को शुक्रिया करूंगी वो काफी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया है। मैंने लाइफ में डार्क टाइम्स देखा है बहुत कम वक्त में, और वहाँ से निकाल के मुझे अभी खड़ा किया है उन्होंने, तो उसके लिए मैं उनको बहुत 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 शुक्रिया अदा देना चाहूँगी। कितनी इंस्पायरिंग है एस्थर की कहानी। कितना अकेलापन वो महसूस कर रही थी जब वो डिप्रेशन में थी, लेकिन क्रिसमस में जब वो अपनी रिलेटिव्स के घर गई, तब परमेश्वर ने उनसे बातचीत की, उनके मन को छुआ, और आज वो कितनी खुश हैं। उन्होंने जान लिया है कि परमेश्वर ने उन्हें चुना है। बिल्कुल रिबेका, एक चीज जिससे हमें बेहद खुशी मिलती है, जब कोई अपनाता है, जब कोई हमें अपने करीब लेकर आता है, that's when we feel really good, don't we, Rebecca? Yeah. In fact, मुझे परमेश्वर के वचन से वो कहानी याद आ रही है जहाँ पर शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा इसलिए कि हम परमेश्वर के साथ जो दूरी है उसे मिटा सके और एक नए रिश्ते में आ सके। दोस्तों देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, गलातियों 4:14-14 कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। कितनी खूबसूरत बात है, कहता है कि नियम जो है ये हमें परमेश्वर से दूर रख रहा था, लेकिन यीशु मसीह सही समय पर आए और इसलिए आए ताकि जो आदीन है व्यवस्था के, उन्हें व्यवस्था से छुड़ाए, और सिर्फ छुड़ाए ही नहीं लेकिन परमेश्वर के पास अडॉप्ट किया है परमेश्वर ने हमें। जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें एक सौभाग्य मिलता है। अगला ही वचन कहता है कि अब हम इस खुदा को
जिसने सृष्टि, जिसने कायनात को बनाया है, उसे हम अपना अब्बा, अपना पिता करके बुला सकते हैं। तो दोस्तों, जो दूरियां थी वो परमेश्वर ने मिटाई है। आज हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बन गया है। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वो हमें इजाजत देता है कि हम उसके पिता को अपना अब्बा, अपना पिता करके बुलाए। और सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है दोस्तों, जैसे परमेश्वर के साथ एक, जैसे आप और मैं अगर किसी एक ही व्यक्ति को पिता बुलाए, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप और हम भी एक रिश्ते में जुड़ गए हैं। तो इसलिए भाइयों और बहनों, हम एक रिश्ते में हैं। इसलिए जब आप शास्त्र खोलते हैं ना, तो अक्सर जब खत लिखे जाते हैं, पता है उसकी शुरुआत कैसे होती है? भाइयों और बहनों, गलातियों में जो मेरे भाई बहनों हैं, फिलिपियों में जो मेरे भाई बहनों हैं, एफिसियों में जो मेरे भाई बहनों हैं। तो परमेश्वर ने हमको रिश्तों में जोड़ा है दोस्तों। जैसे हम परमेश्वर को अपनाते हैं, वो हमें अपना बच्चा करके अपनाता है, और हमें एक दूसरे को अपनाना है। हम एक परिवार के भाग अब बन गए हैं। दोस्तों देखिए छठा वचन क्या कहता है। शास्त्र कहता है, तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। दोस्तों, अब जो दूरी थी, जो भी, चाहे वो रंग के ऊपर दूरी थी, या जात पात की दूरी थी, या लिंग की दूरी थी, वो सब दूरियां अब मिट गई है। यीशु मसीह में हम एक हुए हैं, हम एक परिवार के हो गए दोस्तों। परमेश्वर ने हर उस दीवार को मिटा दिया है और हमें एक परिवार में जोड़ा है। तो जिसने यीशु पर विश्वास किया है, वो यीशु मसीह के परिवार का भाग है। तो इस कलीसिया जो है, वो यीशु का एक परिवार है। परमेश्वर ने हमें परिवारों में जोड़ा है, और इस परिवार का आनंद लें। जैसे हम संकट में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तब हमें एक दूसरे का सहारा चाहिए होता है। वैसे ही पहले हम परिवार की ओर मुड़ते हैं सहारे के लिए, वैसे ये हमारा आत्मिक परिवार है। याद है एक बड़ी सी भीड़ से यीशु ने कहा, मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे बहन कौन है? वो जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, हम सब प्रभु के परिवार के भाग है। जी बिल्कुल, प्रभु यीशु मसीह में हम एक परिवार बन गए हैं, और हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम पिता परमेश्वर को अब्बा पिता बुला सकें। ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है, और इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी प्रार्थना में मदद चाहते हैं, तो हमारी CBN प्रेयर लाइन 9910401010 पर हमें ज़रूर कॉल करें। और अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम एक खास विषय को देख रहे हैं, वो है यीशु मसीह के आने से हमें परिवार मिला है, एक नया आत्मिक परिवार, जहां हम खुदा को अपना पिता कह सकते हैं। रिबेका, कितना बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। जी बिल्कुल, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें ये सौभाग्य दिया है, और हम इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं दोस्तों। और परिवार की बात हो रही है, तो क्रिसमस टाइम है, और सब लोग अपने परिवारों में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और राहुल, इस पैंडेमिक की वजह से लोग बड़ी सेलिब्रेशंस तो नहीं कर पाएंगे, बड़ी पार्टीज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने घर में ही हम छोटे, सिंपल, स्मॉल, स्वीट सेलिब्रेशंस कर सकते हैं, उन्हें इन्जॉय कर सकते हैं।
तो आइए दोस्तों चलते हैं गोवा और कोचिन और देखते हैं कि यहाँ पर ये परिवार किस तरह अपनी सिंपल सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और ये सेलिब्रेशंस हैं तो सिंपल पर बहुत प्यार से भरी हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं। साल बस खत्म होने को है, इस साल कई बदलाव आए हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रहेगी, वो है यीशु के जन्म का उत्सव और उस पर की आशा। इस साल शायद उत्सव छोटा हो, लेकिन वो फिर भी सबसे जुड़ा है, जैसे कि हम केरल के इस परिवार में देख सकते हैं। 20 तारीख से ही इस घर में मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे, हम सब साथ मिलकर तैयारियां शुरू कर देते हैं। जो मेन डिश हम बनाते हैं वो है पोक विंदालू। क्रिसमस एक दूसरे के प्रति प्यार दिखाने का, उनकी देखभाल करने का मौका है और इस संसार को एक बेहतर जगह बनाने का एक समय है। मेरी क्रिसमस। कोचीन में ये समय अपने काम को छोड़ परिवार के साथ समय बिताने का है, अपने हाथों से बनाए तोहफों को दिखाने, मिलकर गाने और प्रार्थना करने का समय है, क्योंकि हमारा उद्धार करता जन्मा है। ये कोचीन के लिए क्रिसमस एक बड़े उत्सव का समय है। ये कला, संस्कृति और समाज के विभिन्न आयामों के मिलन का सही समय है। क्रिसमस के इस त्योहार पर कोचीन बहुत आकर्षक होता है। यहाँ ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये प्रेम, भाईचारे और समानता का संदेश देता है। जैसे साल खत्म होने जा रहा है, अपनी सभी परेशानियों को भूल ये याद करें कि उसने हमें अब तक संभाला है। आइए इस साल सभी आशीषों को याद कर एक सिंपल क्रिसमस मनाएं, जिसमें हम छोटी छोटी बातों का आनंद लें और अपने मसीहा के साथ रिश्ते में आगे बढ़ें। इनके जश्न अंदाज को देखकर मजा आ गया। कभी कभी हमारे जिंदगी में छोटी छोटी जो बातें होती है वही हमें बहुत खुशियां लाती है, और ये खुशियों को बांटने के लिए हमें किसकी जरूरत है, परिवार की। जब हम परिवार के साथ होते हैं तब हम बड़ा आनंद मना सकते हैं, तब हमें असली खुशी महसूस होती है। जी बिल्कुल, इसलिए कहा जाता है कि क्रिसमस इज नॉट अबाउट ओपनिंग आवर प्रेजेंट्स बट इट इज अबाउट ओपनिंग आवर हार्ट्स। तो ये क्रिसमस हम सिंपल स्मॉल स्वीट सेलिब्रेशंस करें, प्यार से करें, अपने परिवारों के साथ करें दोस्तों। जी, और अब है समय प्रार्थना का और आपके बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए हैं, तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं क्या क्या मैसेजेस आपने हमें भेजे हैं। और आज का पहला मैसेज है सुखपाल का, जो कह रहे हैं, मेरे घर पर बहुत कलेश रहता है, मेरा स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं रहता, मेरे घर में शांति नहीं है, कृपया प्रार्थना कीजिए ताकि बरकत हो और परमेश्वर की आशीष हो। सुखपाल जी, हम जरूर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की शांति का अनुभव आप और आपके आपका परिवार करें। जी बिल्कुल, और एक और मैसेज हमें भेजा है वेनेला ने, जो कह रही है, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं लेकिन मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरे पति को धूम्रपान करने की आदत है और शराब पीने की भी लत है, कृपया प्रार्थना कीजिए ताकि हमारे घर में शांति और खुशहाली आए। जरूर वेनेला जी, हम आपके परिवार के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की शांति आपके घर में हो। दोस्तों, हम जानते हैं शायद हमारे कई दर्शक होंगे जो इस समय अलग अलग संघर्ष के समय से गुजर रहे हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए कि परमेश्वर की शांति और खुशी हर कोई महसूस करे। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हम आपको अपना अब्बा, अपना पिता करके बुला सकते हैं। एक पिता होने के नाते आप हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। जब हम आपके सामने दुआएं लेकर आते हैं तो उन्हें आप कबूल करते हैं। धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु, हम हमारे सारे प्रिय दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय शायद अलग अलग जीवन के उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, कि उन्हें आपका हाथ उनके ऊपर है इसका एहसास होने दीजिए। हम मांगते हैं परमेश्वर, उनके परिवारों में आपकी शांति आए, उनके परिवारों में आपकी खुशहाली आए। इसी वजह से आपने अपने पुत्र को भेजा कि हम आपको जाने और आपके परिवार का भाग बने। ये एहसास हर कोई हमारा दर्शक ये जाने कि आपने उन्हें अपनाया है और आप उन्हें परिवार में जोड़े हैं। धन्यवाद इस सौभाग्य के लिए। यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद देते हैं। आमीन। आमीन।
आमीन दोस्तों। तो ये बात याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको अपने परिवार में जोड़ा है और साथ साथ आपके परिवार वालों के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। अगर कोई यीशु मसीह को नहीं जानता तो वो उन्हें जानने लगे और करीब से अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करे। जी बिल्कुल, और परमेश्वर का प्रेम भी एक दूसरे को दिखाएं दोस्तों। और अब समय है एक ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह कम खर्च में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल चीजें घर पर बना सकते हैं। सो प्लीज स्टे विद अस, वी विल कम बैक सून। वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक होजाना गा होजाना, ये वचन है सुपर बुक होजाना गा होजाना, ये वचन है सुपर बुक। वेलकम बैक दोस्तों, ये क्रिसमस का मौसम है और क्रिसमस और गिफ्ट्स तो एक साथ चलता है रिबेका। जी बिल्कुल, गिफ्ट्स देना तो जरूर बनता है राहुल, तो क्यों ना इस सीजन हम कुछ ऐसा दे जो स्पेशल भी हो और इनएक्सपेंसिव भी। बिल्कुल दोस्तों, और इसी संदर्भ में हम आपके लिए लाए हैं हैंडमेड विद लव सीरीज, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपस्केलेबल गिफ्ट्स बना सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आइए देखते हैं मेघना जोहर के वुडन टैक्स के अलग अलग अवतार। मैं हूं मेघना। साल 2020 ने हमें क्या सिखाया? इस पैंडेमिक ने कई मायनों में हमारे जीवन को बदल दिया, लेकिन साथ ही इस समय ने हमें सादगी, स्थिरता से जीने और चीजों को रीयूज करने के बारे में सोचने पर भी मजबूर कर दिया। आज बड़े बड़े जश्न और उन पर किए जाने वाले फिजूल खर्च अब बीती बातें लगती हैं। अट्रैक्टिव और महंगी चीजों को यूज करना, महंगे गिफ्ट्स लेने के अब कोई खास मायने नहीं है, बल्कि सिंपल से हैंडमेड गिफ्ट्स, प्यार भरे दो शब्द, किसी की बातों को सब्र से सुनने वाले कान, या एक सादा मगर बेहतरीन खाना। मुझे लगता है कि ये किसी भी महंगे ब्रांड के टैग से कहीं बढ़कर है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको अपने डिजाइन आइडिया से रूबरू करवाना चाहती हूँ, जिसके जरिए इस समय हम बहुत ही सादगी भरे तरीके से आपकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वुडन बैग टैग्स या गिफ्ट टैग्स को डिजाइन करने के पीछे मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं कुछ ऐसा बना पाऊं जो लंबे समय तक चले, जो रियूजेबल हो और इको फ्रेंडली भी हो। मेरे बैग टैग एक गिफ्ट टैग या फिर बैग टैग के रूप में अपना काम करने के लंबे समय के बाद तक भी आपके घर में अपनी जगह बना ही लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ये छोटा सा गिफ्ट टैग है जो आपके लिए बाद में पेंडेंट का काम करेगा। ये राना जो कि बहुत ही ब्राइट और चेयरफुल है और फेस्टिव सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और इसमें एक छोटा सा वुडन केटल टैग है जिसे बाद में कोस्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे ये बुक्स के जो टैग्स हैं जिनसे ये बंधी हैं, इस टैग पर इमोशंस लिखे होते हैं, आप इन टैग्स को बाद में कर्टन्स बांधने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो मैंने बनाए हैं अपने गिफ्ट टैग्स के ज़रिए, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि मेरे ये आइडियाज़ इस त्योहारों के मौसम में सबके लिए थोड़ी सी खुशी और मुस्कुराहट लेकर आएंगे। वाओ वंडरफुल, कितना अच्छा ये गिफ्ट है राहुल। एक गिफ्ट टैग है, इससे हम कर्टन्स को भी बंद कर सकते हैं और एक कोस्टर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, और जो भी ये गिफ्ट हमें देगा तो उसे हम याद भी रखेंगे। बिल्कुल, बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट आइडियाज है। अक्सर हम सोचते हैं कि कोई बड़ा धमाका करे, लेकिन शायद हो सकता है कि ये साल वो मुमकिन ना हो दोस्तों, लेकिन फिर भी इन छोटे गिफ्ट्स के द्वारा हम लोगों के जीवनों में, अपने परिवार वालों के जीवनों में खुशियां ला सकते हैं। जी बिल्कुल, और हम याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह भी हमारे जीवन में एक गिफ्ट है, जो इस दुनिया में आए, जिन्होंने अपनी जान दी क्रूस पर और हमारे लिए बलिदान हुए ताकि हमें अपने पापों से माफ़ी मिले, और उन्होंने हमें उस बड़े परिवार में जोड़ लिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर पिता को अब्बा पिता कह सकते हैं। यस दोस्तों, आए हम परमेश्वर के वचन को देखें और देखिए कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। Thank you.
वाओ रिबेका, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्स दिस इज। दोस्तों ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनाया है, हमें संतान करके पुकारा है। हम तब डरते हैं जब हम किसी से अनजान रहते हैं, लेकिन हमें जब अपनाया जाता है तो वो डर की आत्मा निकल जाती है और परमेश्वर ने हमें गले लगाया है। इस बात का एहसास होना हमारे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। परमेश्वर ने हमें एक परिवार में जोड़ा है और हम सब उसे, उस खुदा को अपना अब्बा, अपना पिता करके बुला सकते हैं। जी बिल्कुल, और इस परिवार में हम परमेश्वर का प्रेम एक दूसरे को दिखाएं, क्योंकि वो ऐसा प्रेम है जो सिद्ध प्रेम है, जिसमें कोई भय नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, तो ये याद रखिए कि हम सब एक परिवार है और हम उम्मीद करते हैं कि हम कल भी मिलेंगे, क्योंकि इस क्रिसमस के माहौल को, इस जश्न को रिबेका हमें जारी रखना है। जी बिल्कुल, और कल के प्रोग्राम में हम आपके लेकर आएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें, जैसे कि आप रेसिपीज बनाना सीखेंगे हमारे हैंडमेड विद लव सीरीज में, और हम क्रिसमस स्टोरी को और आगे बढ़ाएंगे और हम सच्ची कहानियों से प्रेरणा भी पाएंगे। सालों से नहीं देखी थी वो खुशी मेरे पैदा होने के बाद, मुझे 20 साल बाद वो खुशी। वाओ, दिस साउंड्स एक्साइटिंग रिबेका, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब कल आएगा। जी बिल्कुल, और अब हमारे जाने का समय हो गया है और कल हम दोबारा हाजिर होंगे। डू जॉइन अस टुमारो, और जाते जाते ये गीत हम आपके लेकर आए हैं क्रिसमस स्पेशल, लॉर्ड इट्स क्रिसमस टाइम। आप इस गीत को सुने, इसका आनंद लें, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। As I move to this Christmas time, when we celebrate all around, Lord, it's Christmas. Lord, it's Christmas. When we sing with joy this day, rejoice his birthday, for we say Jesus is born. Jesus is born. As I bow before you, Lord, honoring your song, died for my sins, the sins of the sinner. For he's the greatest man I have ever met, the Lord of lords and King of kings. For I worship him, for I worship Him. Hallelujah. Praise You, Jesus. Praise You, Jesus. Hallelujah. As I lift up Your name. For me, Holy One, thank You, Lord, thank You, Lord, for saving me. Hi, hi, this is this imperfect me here with a prayer. I'm not here to tell you the birth of Jesus Christ, but to tell you that He died on the cross for our sins, for the sins of the sinner, for He's the greatest man I've ever met. I was saved long back and still following Him, even though this tempting world distracts me, as He helps me, and whatever I am, it's cause of His grace, and whatever I do, it's cause of Him. I pray this prayer with you, my dear brothers and sisters, as I pray that only good will come to you, only happiness will come to you, and whatever problems that you are going through, remember God is with you. As I bow before